सो हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूर जीएस पेपर टू और यू कैन से द सीट सेट। देखिए, कोई कह रहा है कि 3 साल के पेपर को, कोई कह रहा है 4 साल के पेपर वर्क करो, बट मैं ये कह रहा हूँ जितने पेपर है ना कर डालो। कितने क्वेश्चन है देखो शुरू के, जब आप देखोगे ना 2000, तो अगर आप 14-15 से भी शुरू करते हो, शुरू के पेपर्स में तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन, 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन भी नहीं आपके पास, क्लियर। तो टोटल मिला के जब आप करोगे ना, और कोई आप मॉक टेस्ट सीरीज भी लगाओगे ना, उसमें भी आपको यही क्वेश्चन मिलने वाला है रिपीटेड, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो वह कॉन्फिडेंस बूस्टर आपके लिए साबित होगा, मैं भी बता रहा हूँ। तो 2015-16 से सी सेट के सारे पेपर करने हैं आपने, क्योंकि यहाँ से आपको इंटरलिंकेज समझ आनी शुरू होगी कि 2022-2023 के पेपर कैसे बनने शुरू हो, 2024 का पेपर कैसे आएगा, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप जुड़े हैं अभिमन्यु आईएएस, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सी सेट, क्लियर। देखिए, आज हमारा सेशन नंबर 4 है, वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम चैप्टर वाइज कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, क्योंकि ताकि हमें यह पता चले कि जो हमने लगाए हैं चैप्टर्स, जो हमने 50 लेक्चर्स किए हैं, उसके बाद कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्या हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, क्लियर। उसका फिर हल भी ढूंढ रहा है हमें, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपको कोई पीडीएफ चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सब यहीं पे अवेलेबल है। जैसे आपको पता है 2023 की बात करूं, आपके पास 35+ क्वेश्चन आए थे सी सेट से, मतलब क्वांट सेक्शन से, ठीक है, जिसमें 15 से 18 क्वेश्चन लगभग आपके पास कहाँ से आए थे, नंबर सिस्टम से। तो अब वो समय आ चुका है कि आप थोड़ा डीपली सोचना शुरू करो कि कौन कौन से चैप्टर्स आपने कैसे करने हैं। उसके लिए फुल कोर्स अवेलेबल है, माइक्रो कोर्स अवेलेबल है, जैसा आप करना चाहे वैसी टीम आपके साथ जुड़ेगी। नंबर इज 9517716518, नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, आज हम करने लगे हैं यूपीएससी 2017 का पेपर और क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरा, बहुत अच्छा रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है। करिए जरा, क्या दिया है, इफ देयर इज अ पॉलिसी ऑफ 1/3 ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी हैज माइग्रेटेड एवरी ईयर, मतलब कोई कम्युनिटी है उसकी 1/3 पॉपुलेशन ना माइग्रेट हो रही है हर साल, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू सम प्लेस, मतलब एक प्लेस से किसी अदर प्लेस पे पॉपुलेशन जा रही है, ठीक है। वट इज द लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी आफ्टर द 6th ईयर इफ देयर इज नो फर्दर ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस ईयर। वो कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कॉन्स्टेंट कर दिया, मतलब जितनी 6 साल पहले थी उतनी आ जाए। वो कह रहा है अगर ये प्रोसेस 6 बार हो, मतलब कांस्टेंट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आ गया ये, अगर आपको ये बोला जाए किसी आर्टिकल का प्राइस इतना है, प्राइस फर्दर नहीं बढ़ा, 6 साल बाद बताओ कितना होगा। ये सेम क्वेश्चन है जो आपसे ऐसा पूछा जाता है डेप्रिसिएशन वाला, जिसके अंदर आप कांस्टेंट प्रोडक्ट की बात करते हो, क्लियर। देखो करना कैसे, 1/3 अगर बेसिकली आप बात करोगे ओरिजिनल फाइंड, देखो 6 बार सेम प्रोसेस, यानी अगर 1/3 का मतलब क्या है कि टोटल अगर आपके पास 3 थे तो माइग्रेट कितने होंगे, 1 माइग्रेट हो गया, इसका मतलब 3 में से 1 चला गया तो 2 उस गांव में बचेंगे या उस प्लेस पे बचेंगे, क्लियर। यानी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, जो 3 था वो कितना रह गया, 2 रह गया, क्लियर। अब पॉपुलेशन कितनी मर्जी हो, मुझे तो सेम ही डेटा दिया होगा ना, सेकेंड ईयर की बात करूंगा मैं, 3 था 2 रह गया, थर्ड ईयर की बात करोगे 3 था 2 रह गया, फोर्थ ईयर की बात करोगे 3 थे 2 रह गए, भी हैं हमारे पास स्पॉट नीचे लिख लेंगे, फिफ्थ ईयर की बात करोगे 3 था 2 रह गया, सिक्स्थ ईयर की बात करोगे 3 था तो 2 रह गया, 3 × 9 = 27 81 × 243 = 729 जो 729 था वो कितना रह गया, देखो 2 × 4 = 8 = 64 यानी 64 बाय कितना 729, ऑप्शन नंबर सी वाज़ द राइट आंसर, क्लियर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 7 साल थे 10 साल थे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कैलकुलेशन करने आने चाहिए, क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने माइक्रो लेक्चर्स में भी करवाया है, अगर आपने ध्यान दिया, अगर आपने माइक्रो लेक्चर देखे होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन शायद मैंने डिस्कस किया हो। चलिए, देर आर 3 पिलर्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ डिफरेंट हाइट्स, 3 स्पाइडर्स ए बी सी स्टार्टिंग टू क्लाइंब ऑन दीज पिलर्स साइमल्टेनियसली, इन वन चांस ए क्लाइम्स ऑन एक्स
बाई 6 सेंटीमीटर एंड स्लिप डाउन 1 सेंटीमीटर, बी क्लाइम्स ऑन वाई बाय 7 सेंटीमीटर एंड स्लिप डाउन 3 सेंटीमीटर, सी क्लाइम्स ऑन जेड बाय 6.5 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन बाय 2 सेंटीमीटर. इफ ईच ऑफ रिक्वायर्स 40 चांसेस टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर, वट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर. देखो सबसे पहली बात ये, आपने क्वेश्चन किया होगा ना कि एक वो जो मंकी है पिलर पे चढ़ता है, थोड़ा खिसक जाता है, सेम क्वेश्चन है ना. बट एक बात याद रखना, लास्ट जंप में वो खिसक नहीं सकता, लास्ट जंप में उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करना. देखो अगर मैं बेसिकली बात करूं एक्स की, एक्स ने चांस वन में क्या किया, छह चढ़ा और एक माइनस हो गया, टोटली पेनल्टी 5 मिला. ठीक है, इन वन चांस ए क्लाइम्स ऑन एक्स, अच्छा ए क्लाइम कर रहा है एक्स पे, तो ए क्लाइम कर रहा है किस पे, एक्स पे, चांस वन में अल्टीमेटली वो एक चांस पे 5 चल रहा है. ठीक है, बी क्लाइम्स ऑन वाई, और चांस वन में क्या हो रहा है, बी क्लाइम्स ऑन वाई बाय 7 सेंटीमीटर ऑफ स्लिप डाउन बाय 3, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 हो गया. सी क्लाइम्स ऑन जेड बाय 6.5, सी क्लाइम हो रहा है जेड पे, सी क्लाइम्स ऑन जेड बाय 6.5 सेंटीमीटर बट स्लिप डाउन बाय 2 यानी 4.5. देखो मैं एक ही बात को लास्ट चांस की बात करूं, अगर वो स्लिप डाउन हो गया तो इसका मतलब वो पिलर पे चढ़ा ही नहीं पूरा, फिर थोड़ा डिस्टेंस रह गया. तो एक लास्ट चांस के लिए यहाँ लिखो प्लस 6, यहाँ लिखो प्लस 7 प्लस 6.5, क्लियर. अब यहाँ पे देखना कितना कितना आएगा. चांस वन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा 40th चांस है, स्लिप डाउन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्लियर. तो अगर 31 चांस में 5 है तो 39 चांसेस में कितना होगा आपके पास, 39 इंटू 5 195, यानी 195 प्लस 6 का 201, कितना हुआ मेरे पास, सेंटीमीटर हुआ, क्लियर. अच्छा जी इसको 39 टाइम्स करो, 39 टू 4 इज हाउ मच, 156 प्लस 7 इज 163 सेंटीमीटर. अच्छा नेक्स्ट कितना है, 4.5 इंटू 39, देखो ये 4.5 इंटू 39 भी गया, 156 प्लस ये कितना हो गया, 0.5 को 39 से करो 19.5, नौ छः 15 5 6 5 6 7 175.5, तो ये कितना हो गया 6 182 सेंटीमीटर. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 163 सेंटीमीटर. तो आपने क्या ध्यान रखना है इसमें कि लास्ट वाले चांस में आप स्लिप डाउन नहीं कर सकते, आप पहुंच गए हो फिर आपने स्लिप डाउन नहीं करना, क्लियर. कोई डाउट हो मैं अभी भी कह रहा हूँ 9517165 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, क्लियर. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, जुड़े रहिए अभिमन्यु इसके साथ, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर सीसेट, क्लियर. मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत सारे भ्रमित लोग हैं जिनको खुद ही नहीं पता क्या करना है, वो कह रहे हैं भाई इतने साल के पेपर करो, नहीं जितने हैं करो, बात खत्म. लिमिटेड से तो हैं, कितने हैं और वो कितने का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे, इनके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है. देखो, गोपाल ब्रोट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट अ 10% प्रॉफिट, देन राम वॉन्टेड टू सेल इट बैक टू गोपाल 10% लॉस, मतलब गोपाल ने पहले राम को बेचा, राम ने फिर गोपाल को बेच दिया एट अ 10% लॉस, है ना. वट इज द गोपाल पोजिशन इफ यू एग्रीड. देखो सबसे पहली बात, ओरिजिनल फाइंडर कोई चीज है, पहले आपने 10% का मतलब क्या हुआ मेरे पास, 10/100 यानी 1/10 यानी 10 की चीज कितने बिकेगी, 11 में, ठीक है. देन राम वॉन्टेड टू सेल इट टू बैक टू गोपाल 10% लॉस, मतलब 10 की चीज 9 पे, अल्टीमेटली जो 100 की चीज थी वो फाइनली कितने की है, 99 की. तो डेफिनेटली क्या पता चल रहा है, गेन ऑफ 1%, बात खत्म. 100 की चीज जो वाइल पास 100 रुपये की चीज थी वापस कितने की मिले उसे, 99 में, तो 1% का प्रॉफिट हो गया. सपोज एवरेज वेट, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, बट सी सेट 2017 के क्वेश्चन से सारे के सारे, क्लियर. सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9% इज 50 kg, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5% इज 45 kg, वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5% इज 55 kg, देन द वेट ऑफ द 5th person विल बी. ट्राई करेंगे, करिए, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को प्लीज, ट्राई करिए, आसान है. देखो
सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9% इज 50 केजी, तो टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ 9% कितना है, 15 × 9 इज हाउ मच, 450 केजी, क्लियर। द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5% इज, देखो नाउ टोटल वेट ऑफ फर्स्ट 5% कितना है, 5 × 45 यानी 225 केजी, क्लियर। अच्छा, वेयर इज द एवरेज वेट ऑफ लाइट 5, लास्ट 5 इज 45, नाउ टोटल वेट ऑफ लास्ट 5% 5 × 55 25 275। अब देखो वो क्या कह रहा है, उसके पास कितने परसेंट है, टोटल 9 है, 1%, 1% 2%, 3%, 4%। एक बार समझ लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे ऐसा क्वेश्चन। 6%, 7%, 8%, 9%, ठीक है। देखो वो कह रहा है पहले 5 का वेट दिए, लास्ट 5 का दिए, इसका मतलब इन भाई साहब का जो पर्सन नंबर 5 है इसका वेट 2 बज जा चुका है, तो कितना होगा ये, कितना होगा टोटल, 500 है तो माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया, 50 केजी, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एवरेज, क्लियर। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए चलो, पी इज इक्वल टू 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी एंड क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी, वेयर इज ए इज ग्रेटर देन बी। इन दिस कंटेस्ट कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखो पी मुझे दिया 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ ये दिया, क्यों कितना दिया 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी, जिसमें बोलो ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं ए मेरे पास इतना है 100.001 और बी है मेरे पास 100, इस कंडीशन में भी क्या बोलोगे भाई, ए ग्रेटर देन अप्रॉक्सीमेटली नहीं, ए ग्रेटर देन बी, क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है कि ए बहुत बड़ा हो, ए मेरे पास 10,000 और बी मेरे पास 1 हो, बट जब तक मुझे ए और बी की वैल्यूज डिफाइन नहीं होगी मैं क्या रिलेशन बता सकता हूँ बी और क्यू के बीच में, मैं कुछ नहीं बता सकता, तो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब तक ए और बी की कंडीशन, मैंने आपको करके दिखाया कि अगर ए को मैं 100.001 ले लूँ और बी को ले लूँ 100, तब मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेट वैल्यूज हैं, बट अगर ए को मैं ले लूँ 10,000, बी को मैं ले लूँ 100, तो वहाँ पर डेफिनेटली मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज आएंगे, क्लियर। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जब भी हो तो हमेशा आपने देखना कि क्या कोई वैल्यू डिफाइंड आ रही है, क्या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में वैल्यू डिफाइंड है, नहीं है तो आप इसका आंसर लगाओ नन ऑफ दिस, जैसे मैंने लगाया ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी। चलिए नाइस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन था। इन अ सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड अर्न लेस देन 30,000, देखो मुझे दिए जो 12% है वो लेस देन 30,000 कमाते हैं, क्लियर है। अच्छा 6% अर्न मोर देन 2 लाख, अच्छा 6% है वो ग्रेटर देन 2 लाख है, ठीक है, 30,000 से कम और वो अपना 2 लाख से ज्यादा, ठीक है। 22% होल्डर मोर देन 1 लाख पर ईयर एंड 990 होल्ड बिटवीन 3 लाख एंड 1 लाख, अच्छा देखो अगर मैं बात करूं 22% वो ग्रेटर देन किसके हैं 1 लाख के, अच्छा जी ठीक है कोई परेशानी नहीं। अच्छा वेयर एज 30,000 और 1 लाख के बीच में कितने हैं, अगर बात करूं ग्रेटर देन 30,000 और लेस देन 1 लाख, इनके बीच कितने हैं 990। अब मुझे यही पता करना है कि कितने, देखो उसने क्या बोला 22% ऐसे हैं जो क्या करते हैं
कमाते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, करना क्या इस क्वेश्चन में, पहली 12% है लेस देन 30,000, क्लियर है। तो अगर टोटल मेरे पास 100% है, टोटल मेरे पास 100% है, देखो सिंपल सी बात, मुझे रेंज दी है 30,000 और 1,00,000 के बीच की बात दी है, ठीक है। 30,000 और 1,00,000 के बीच में मुझे 990 दिए, तो यहीं की परसेंटेज मुझे फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहली बात, 1,00,000 से बड़े कितने, एक से छोटे कितने, 30,000 से छोटे कितने, 12% आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास एक और परसेंटेज का गिवन है मेरे, 12, 6 और 22, देखो अगर 1,00,000 से बड़े 22 हैं और 2,00,000 से बड़े 6 हैं, तो क्या मैं बोलूं 1,00,000 और 2,00,000 के बीच में कितने हैं मेरे पास, 16% है, यही होगा है ना। तो प्लस 16% प्लस, और 6% ऐसे हैं जो क्या है मेरे 2,00,000 से बड़े, ये बताओ इसी समझ आई। 12% ऐसे हैं जो मुझे 30,000 और 1,00,000 के बीच की वैल्यूज लेनी है, बेसिकली मुझे क्या लेना है 30,000 और क्या दिया है मुझे 1,00,000 के बीच की वैल्यूज लेनी है। 30,000 से छोटे कितने हैं, 12 माइनस कर दो 1,00,000, और देखो 2,00,000 से बड़े कितने हैं 6, तो और 1,00,000 से बड़े कितने हैं 22% मोर देन 1,00,000, मोर देन 1,00,000 में 2,00,000 वाले भी, तो 1,00,000 से 2,00,000 के बीच कितने हुए 16 और 6 बचे 2,00,000 से, ठीक है। तो 100% माइनस ऑफ 28 और 6 कितना होगा 34, तो ये कितना 66%, यानी 66% की वैल्यू कितनी है 990 1190 11 6, तो एक की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 15, तो 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1500 आ गया। मुझे क्या कह रहा है बिटवीन 1,00,000 एंड 2,00,000, 1,00,000 और 2,00,000 के बीच कितने हैं बताओ मुझे, ये निकाला था मैंने अभी 1,00,000 2,00,000 के बीच कितना 16%, तो 16% ऑफ 16/100 ऑफ कितना 1,500, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 240, क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए ये भी यूपीएससी सीसेट 2017 के क्वेश्चन है हमारे पास। देर आर 13 टू डिजिट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब क्या, जैसे 1, 3, 5, 4 लगातार के 13 मेरे पास ऑड नंबर्स दिए हुए, ठीक है। इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर्स, इफ 39 इज द मीन ऑफ द 5 सच नंबर्स, देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल 13 नंबर्स, करिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। How will you do this question? चलिए देखो मेरे पास क्या दिया है, 13 टू डिजिट के नंबर है, छोड़ दो इस टू डिजिट वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ो, सिंपल याद रखो मेरे पास नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, क्लियर। अच्छा उसने क्या बोला है, 13 यानी टोटल जो मेरे पास क्या दिया है, इफ द 39 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5, यानी 13 है, यानी एक ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसा कुछ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसा कुछ है। उसने क्या बोला, देखो अगर मैं सबकी बात करूं, अगर मैं ऑल ओवर एवरेज जैसे वो मेरे से पूछ रहा है क्वेश्चन में, देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल द 13 नंबर, देखो 6 यहां से छोड़ दो 6 यहां से छोड़ दो, तो 7th नंबर मेरे पास मीन होगा, ये समझिए बात को, कि जो मेरा सेंटर नंबर है वो क्या होगा 7, वो मेरे पास मीन होगा, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है, पहले 5 नंबर्स का मीन कितना, यानी इनका मीन ये होगा, ये कितना दिया मुझे 39, तो ये कितना होगा 41, ये कितना होगा 43, और ये कितना होगा मेरे पास 45, और ये कितना होगा मेरे पास 47, तो 47 ऑप्शन नंबर ए वॉज द राइट आंसर, क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए इन क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट के लिए, क्लियर। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे। चलिए 2017 के बेहतरीन प्रश्न है ये, 2017 के। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 6 बॉयज ए बी सी डी ई एंड एफ प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स, मतलब ए बी सी डी एफ 6 पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं
कार्ड्स की गेम खेल रहा है, ईच हैज अ पैक ऑफ 10 कार्ड्स और एक के पास 10 पैक है कार्ड। एफ बोरोस टू कार्ड्स फ्रॉम ए एंड गिव्स अवे 5 टू सी। वो क्या कह रहा है, एफ ने दो कार्ड ए से लिए और गिव्स बैक 5 टू सी, ठीक है, 5 सी को दे दिया। हु इज इन टर्न गिव्स 3 टू बी, 3 टू बी। चलिए देखो जरा, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या है। अब यहां पे क्या है, हर बच्चे के पास यानी ए बी सी डी की बात करूं, ए बी सी डी एंड एफ, ठीक है, ए बी सी डी एफ। अब ध्यान से देखो, प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स, ईच हैज अ पैक ऑफ 10 कार्ड, मतलब हर एक के पास 10 कार्ड है। हर के पास क्या है मेरे 10 कार्ड है। एफ बोरस टू कार्ड फ्रॉम ए। देखो जैसे हम वोटिंग वाले क्वेश्चंस में करते हैं ना स्टूडेंट, कि इसके पास इतने कम हो गए, यहां से निकले तो वहां गए। एफ बोरो टू कार्ड फ्रॉम ए मतलब एफ ने, मतलब दो के पास, ए के पास दो कम गए, ए के पास अगर दो कम आए, एफ बोरो टू कार्ड फ्रॉम ए यानी एफ के पास दो ज्यादा आ गए। एफ ने अगर दो कार्ड लिए तो डेफिनेटली यहां से आए होंगे, ये याद रखना बस। अगर ये नहीं करेंगे तो दिक्कत है, कई बच्चे क्या करते हैं वो डायरेक्टली यहां पे ऐड कर देते हैं, वो चीज गलत है, ठीक है। एफ बोरोस टू कार्ड फ्रॉम ए एंड गिव 5 कार्ड टू सी, किसने किए, माइनस 5 और प्लस 5। सी हु इज इन टर्न गिव 3 कार्ड टू बी, मतलब इसने 3 कार्ड बी को दी यानी बी के पास कितने गए, 3 कार्ड जो बी के पास। वाइल बी गिव 6 कार्ड टू डी, मतलब बी ने क्या किया, 6 कार्ड किसको दे दिए, डी को, ठीक है। हु पासिस 1 टू ई यानी माइनस 1, ये हुआ मेरे पास टोटल, ठीक है। इसका मतलब ए के पास कितने कार्ड हैं, 8 कार्ड हैं, बी के पास कितने हैं, 7 कार्ड हैं, सी के पास कितने हैं, 15 माइनस 3 12 कार्ड हैं, यहाँ कितने हैं, 15 कार्ड हैं, ये कितने हैं, 11 कार्ड, और ये कितना, 10 2 12, यहाँ पे 7 कार्ड हैं। ये बताओ ये चीज़ क्लियर है, जल्दी से इसको देखो, नोट करो, 8 7 12 15 11 एंड 7, क्लियर। ये मेरे पास नंबर ऑफ कार्ड्स आ गया, मुझे क्या बोला जा रहा है, देन द नंबर ऑफ कार्ड्स पोजेस बाई डी एंड ई इज इक्वल टू, मतलब डी ओर ई, डी ओर ई, डी ओर ई के पास कितने हैं, 15 प्लस 11 यानी कितने हैं, 26 कार्ड हैं। इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्ड पोजेस बाय, मतलब डी ओर ई के पास जो कार्ड है वो किसके कार्ड्स के इक्वल है, ए बी सी, ए बी एंड सी, 8 7 15 15 5 27, नहीं ये नहीं है, 26 होने चाहिए। बी सी एफ, बी 19 और एफ कितना है, 7 26 के, बी सी एफ हो रहा है, देखो बी, बी के पास कितने हैं, 7, अच्छा सी के पास कितने हैं, 12 और एफ के पास कितने हैं, 7, तो 26 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, तो मेरे पास ये ऑप्शन सही हो गया। ए बी एफ, ए बी 15 और एफ नहीं हो रहा, ए सी एफ, ए सी 12 8 20 27, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये थे मेरे पास 2017 के क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसेट में आए हुए हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा उस बैच के बारे में एड माइक्रो कोर्सेज के बारे में जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो माइक्रो लेक्चर्स देख रहे हैं आप, नहीं देख रहे तो माइक्रो लेक्चर को देखिए, ऑलमोस्ट बहुत सारे लेक्चर जा चुके हैं मेरे पास, देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको आनंदित महसूस होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता क्वेश्चन ऐसे हम कर रहे हैं इसको, क्लियर। चलिए स्टूडेंट देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास सी सेट का मेरा बैच है जिसमें 3 से 4:30 तक की मेरे पास टाइमिंग्स है, यानी ये बैच कम से कम कितना चलना है, 5 बजे तक चलना है, यानी 30 मिनट एक्स्ट्रा क्या है अभी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बैच की फीचर्स सुन लिए, 4 डेज अ वीक, हफ्ते में 4 दिन क्लासेस हैं, टोटल लेक्चर मेरे पास 180+ हैं, 90 कैसे हैं, 50 क्वांट के, 25 लॉजिकल के, 15 मेरे पास इंग्लिश के लेक्चर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कितने मेरे पास, 15 लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने हैं, 50+, लाइव मेंटरशिप के कितने मेरे पास, 30+ लेक्चर, तो दीज आर लेक्चर्स जो मुझे प्रोवाइड होंगे इस बैच में, क्लियर। नंबर मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 9517716551, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या है, अगर मैं आपको एक लेक्चर बताऊं कि कैसे उसका शेड्यूल के बाद क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, देखो आपको 3 से 4 चीज़ें मिल रही हैं। नंबर एक लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी, लेक्चर की क्या मिलेगी, सबसे पहले लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी मुझे, ठीक है। नंबर दो पे क्या मिलेगा मुझे, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मेरे चैप्टर का वो पार्ट होगा जहाँ पे थ्योरी पार्ट होगा, कुछ वन लाइनर हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपके पास वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे बेसिकली, और आपकी सारी थ्योरी पार्ट होगी, ठीक है। नंबर तीन पे क्या होगा आपके पास, प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस क्या होगी मेरे पास, शीट,
अब ये प्रैक्टिस शीट क्या होगी, इस प्रैक्टिस शीट में हम क्या करेंगे, देखो इस प्रैक्टिस शीट में हम स्टूडेंट्स वो करने वाले हैं कि जो जैसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए, प्लस आपके पास मिलते जुलते क्वेश्चन जो हम इस लेक्चर की पीडीएफ में करेंगे। लेक्चर पीडीएफ क्या थी, जो पोर्टल पर लगी मिलेगी, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। नंबर चार पे क्या है आपका टेस्ट, एक छोटा सा 10-12-20 क्वेश्चन का एक टेस्ट भी लगा मिलेगा आपको सेक्टर से लेक्चर्स के नीचे। जैसे कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, दो लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो दूसरे लेक्चर के नीचे मैंने एक टेस्ट लगा देना, ठीक है। ये सारी चीजें उसके बाद ये प्रैक्टिस शीट डिस्कस होगी यहां पे। तो 30 मिनट का मेरे पास क्या है डाउट सेशन तो 30 मिनट का क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास यहां पे डाउट सेशन है मेरे पास, क्लियर, जिसमें मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगा, क्लियर। और हफ्ते में हमारे पास एक क्लास वीकली क्लास टेस्ट होगा, क्या होगा वीकली क्लास टेस्ट होगा, जो कब होगा, हर संडे को 1 बजे, ठीक है, जिसका मुझे क्या मिलेगा वीडियो, जिसका मुझे वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पे, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट है इस व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, सारे सारे लिंक पीडीएफ सभी इसी में आती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरे पास मुझे 1/3 क्वेश्चन ठीक करने, तो ये माइक्रो कोर्स मुझे बताएगा वो 1/3 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कैसे। चलिए पहले मैं उसकी बात ही कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए मैं अगर बेसिकली स्टूडेंट आपसे बात करूँ, देखो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चलिए छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, दैट इज अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज, क्लियर। देखिए चूज एग्जाम करेंगे स्टूडेंट, यूपीएससी सर्विस सी सेट की बात करेंगे, यूपीएससी सर्विसेज की, क्लियर। ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज टेस्ट कोर्सेज एंड अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज यानी छोटे कोर्सेज, क्लियर। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्री अवेल फ्री माइक्रो कोर्सेज, ये आप लॉग इन करेंगे तो आपको इसका पता चलेगा क्या चीज़ है, क्लियर। सबसे पहले मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें, देखो सबसे पहले अगर मुझे टारगेट 27 को अचीव करना तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो यहाँ पे जब आप किस आई बटन पे क्लिक करोगे ना स्टूडेंट, आपको पता चलेगा कि क्या है। देखो 2023 में 18 क्वेश्चन, 22 में 10, 21 में 9, 20 में 15, 19 में 7, तो ये क्या है मेरे पास, ये कुछ क्वेश्चंस का डेटा है जो नंबर सिस्टम से आए हुए हैं। अगर टोटल 80 में से 17-18 क्वेश्चन किसी एक डिपार्टमेंट से, किसी एक आपको चैप्टर से आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ट्राई नाउ करेंगे तो देखो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, सिविल सर्विसेज से 11 लेक्चर्स मिल रहे हैं, 10 वेबिनार 441 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है मेरे पास, क्या है यहाँ पे लेक्चर्स हैं प्लस क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी है, तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, वेब नोट्स वही काम करेंगे जो मेरे रिसोर्सेज कर रहे थे, मैं बता चुका हूँ आपको पहले। 441 MCQs मतलब प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास है, तो ये डाटा वो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको रेगुलर बेसिस पे इसको देखना है। कहने का मतलब क्या है, ये करिए ठीक है, आपको ₹355 पूरे एक साल के लिए, 365 दिन में, क्लियर, तो ₹1 पर डे के हिसाब से भी कम है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफिकेशन को अगर आप क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, क्लियर, 22 में 7, 21 में 7, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, क्लियर, और हर चैप्टर का देख सकते हैं, किसी एक चैप्टर का नहीं। नेक्स्ट देखिए लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, पजल टेस्ट होगा, रैंकिंग एंड ऑर्डर, स्टेटमेंट क्लोजन, क्यूब एंड डाइस, ठीक है, डायरेक्शन साइंस, ये सारी चीज़ों के आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कौन से साल में कितने क्वेश्चन आए हुए। लास्ट में मेरे पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन को ना थोड़ा हल्के में लेते हैं स्टूडेंट्स, जबकि सबसे आपको इंपॉर्टेंट मानना चाहिए इसको, क्योंकि अगर मैं बेसिकली देखूँ 368 रुपीज़ में पूरे किया, 368 प्लस 65 432 क्या मिल रहा है, देखो 2023 में कितने क्वेश्चन हैं, 26, 22 में 27, 21 में 27, 20 में 25, तो ये मेरे पास वो डेटा है जो पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं सी सेट में। तो अगर आप देखो 1/3 के अराउंड तो सिर्फ इंग्लिश से ही आ रहे हैं, तो अगर इंग्लिश में ही 15 के अराउंड क्वेश्चन हो जाएं तो मेरे हिसाब से सी सेट क्वालिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है, बट इसको करना पड़ता है। जैसे एंटोनिम्स उन्होंने बच्चे करते नहीं है, जब तक पैराग्राफ समझ नहीं आएगा आप इसको स्टूडेंट आकर लेके जा सकते हैं, क्लियर। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और 432 में मिल रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेरे पास यहाँ पे आप अपना फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, क्लियर, कॉल में व्हाट्सएप करके स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, ये मेरे कोर्सेज हैं, ठीक है, ये मेरा जो कोर्स बैच बता रहा था वो बैच है, ये क्रैश कोर्स आ गया आपके पास, ठीक है, ये सी सेट का आ गया, ये मेंटरशिप सर के मेंटरशिप के प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, देखिए इसको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, 2200 प्लस सिलेक्शन, नंबर 1 इसीलिए, सर की कड़ी मेहनत है, आपको दिखेगी लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, ठीक है।
और ये सारे प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं ये आपको वार्म अप कोर्स में मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। स्पर्श ने 51 रैंक अक्वायर किया था, अर्नब ने 56, जतिन 90, बंदी 105, 61, 38, अमीर 154, क्लियर। तो ये सारे ऐसे हैं, और यहाँ पे देखिए इन्होंने खुद लिखा है, थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम फॉर द एफर्ट दैट यू हैव ऑल पुट इन माई जर्नी। ये किसने बोला है? अर्नब ने, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन एट अभिमन्यू अंडर बंसा सर गिव मी रियल इनसाइट विच हेल्प मी लॉट, ये बोला अमरिंदर सिंह ने, क्लियर। तो फेज वन फेज टू आपका जो इंटरव्यू सब प्रिपरेशन यही होगी, और सारे सारे लिंक आपको दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काइंडली इसको आज के आज ही ले लीजिए। थैंक यू, और कोई डाउट हो तो नंबर में बता चुका 9517717, कॉल या व्हाट्सअप करते हुए हिचकिचाइए मत, कोई डाउट हो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।